तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फ्लिकर, टम्बलर या स्वार्म जैसे सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं और आप वहाँ पे रेगुलरली एक्टिव रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको ये पता ही होगा कि हर एक सोशल नेटवर्क पे जाना, अलग अलग जाके हर एक सोशल नेटवर्क पे पोस्ट करना कितना टाइम लेने वाला काम है, जिसकी वजह से आपका जो है बहुत सारा समय भी बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप इस सारे सोशल नेटवर्क्स पे एक्टिव रहते हैं और वहाँ पर रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा एक ऐसा मेथड जिससे आप एक ही क्लिक में अपने सारे सोशल नेटवर्क्स पे पोस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जीवानी, आप देख रहे हैं टेक जासूस। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक ऐसी माध्यम बन गई है जिसके माध्यम से हम अपने दोस्त, परिवार और भी बहुत सारे लोगों को जो है हम कुछ न्यूज़ जो है हम पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन साथ ही साथ ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक माध्यम बन गई है बिजनेस के लिए, और वो लोग भी जो है रेगुलरली अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर पोस्ट करते रहते हैं रेगुलरली। तो बहुत सारा टाइम जो है इसी में बर्बाद हो जाता है कि यहाँ पे जाके पोस्ट करो, वहाँ पे जाके पोस्ट करो। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपका जो ये काम है बहुत ही आसान हो जाएगा और आप जो है एक ही क्लिक में अपने सारे सोशल नेटवर्क्स पे पोस्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी इंस्टाग्राम की। तो आप प्ले स्टोर में जाके इंस्टाग्राम सर्च करके इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। तो इंस्टाग्राम ऐप आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इंस्टाग्राम ऐप को खोल लीजिए। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम ऐप खोलेंगे, आप चले जाइए अपने प्रोफाइल में। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इंस्टाग्राम ऐप में 5 टैब हैं, उसमें आखिरी टैब देख सकते हैं उस पर क्लिक करिए तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोफाइल में ऊपर 3 डॉट्स देख सकते हैं, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद इस तरीके का एक पेज आएगा, फिर इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ और यहाँ पे आप सेटिंग्स के नीचे देख सकते हैं लिंक्ड अकाउंट्स लिखा हुआ है, लिंक्ड अकाउंट्स पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको जो भी सोशल नेटवर्क पे पोस्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, स्वार्म, टम्बलर, फ्लिकर। तो आपको तो सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है, उसमें इंस्टाग्राम में अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। उसके बाद इस लिंक्ड अकाउंट सेक्शन में आना है। उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, स्वार्म, टम्बलर, जो भी सोशल नेटवर्क आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। फिर एक पेज आएगा, वहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के उस अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए और परमिशन कुछ मांगेगा तो अलाउ दबा दीजिए। तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे लिंक्ड हो जाएगा और लिंक होने के बाद आपका अकाउंट के राइट साइड में देखिए टिक एक दिखाएगा इस तरीके का। तो जैसे ये टिक दिखाता है आपका अकाउंट जो है कनेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप प्लस का सिंबल देख सकते हैं नीचे इंस्टाग्राम ऐप में, उस पर क्लिक करिए और जो भी पोस्ट आपको करनी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट दबा दीजिए। आपको तो प्रोसेस पता ही है, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस ही है, आप वो प्रोसेस फॉलो करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे जब इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना कैप्शन जहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आप जो नॉर्मल टैग कर सकते हैं, पीपल को ऐड लोकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ क्या करनी है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर ये सब लिखा है शेयर के नीचे, तो आपको यहाँ पे फेसबुक सिलेक्ट करना है और ट्विटर सिलेक्ट करना है और भी जो सोशल नेटवर्क जैसे कि फ्लिकर, टम्बलर, स्वार्म, जिसमें भी आप पोस्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर लीजिए पहले, सबसे पहले, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, तभी आप आसानी से शेयर कर पाएंगे। नहीं तो आप जैसे ही यहाँ पे टम्बलर का मैंने अकाउंट नहीं कनेक्ट किया है तो मेरे को टम्बलर का ईमेल पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है ताकि ये कनेक्ट कर ले। तो जैसे भी करके आपको अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कनेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं फेसबुक और ट्विटर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेयर दबा देता हूँ। तो जैसे ही मैं शेयर दबा दूंगा मेरा पोस्ट जो है देखिए फिनिशिंग अप दिखा रहा है, तो एक मिनट वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पे जा चुका है और उसके साथ में फेसबुक और ट्विटर में भी जो है ये पोस्ट जा चुका होगा। तो मैं आपको फेसबुक और ट्विटर में जाके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए, मैंने अपना फेसबुक खोल लिया है और ये आ गया हूँ मैं अपने प्रोफाइल में, और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है मेरा नाम, एडेड फोटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है मेरा नाम और वहाँ पे लिखा है एडेड फोटो,
जस्ट नाउ और यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, वहां से डायरेक्टली इंस्टाग्राम ऐप ने क्या किया, फेसबुक पे पोस्ट कर लिया है। और देखिए फेसबुक में ये मेरा जो है पोस्ट आ चुका है, और यहाँ ये ट्विटर में भी आ चुका होगा, तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। तो आप जो है बड़ी ही आसानी से कुछ सोशल नेटवर्क पे बड़ी आसानी से पोस्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही क्लिक में। आपको अलग अलग सोशल नेटवर्क में जाके बार बार हर एक सोशल नेटवर्क में अलग अलग पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही क्लिक में जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मेथड मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की 100% कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जो है इस ट्रिक का फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नोटिफिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।